हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जसप्रीत कौर एंड आई एम प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट इन गुड़गांव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स की जो पॉजिटिव लोग अपने में इनकलकेट करते हैं। इसका बेनिफिट आपके लिए ये है कि पॉजिटिव रहने के लिए सब लोग एडवाइस करते हैं। अगर आप इन हैबिट्स में से दो तीन हैबिट्स भी चूज करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, तो आपको पॉजिटिव रहने से कोई चीज़, कोई सिचुएशन नहीं रोक सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, जो पॉजिटिव पीपल होते हैं वो पास्ट को लेट गो करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इसलिए नहीं कि वो डर गए हैं या क्विट कर रहे हैं, रादर उनको ये चीज़ पता होती है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, या तो हम पास्ट में उसे अननेसेसरली वेस्ट कर सकते हैं या उसको प्रेजेंट में इफेक्टिवली यूटिलाइज करके अपना प्रेजेंट ब्यूटीफुल बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। सेकेंड, ये लोग बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, स्पेशली हैप्पीनेस को लेके। वेट नहीं करेंगे कि कोई ऐसा इवेंट हो या कोई ऐसी सक्सेस हो तभी ये खुश होंगे, रादर ये अपनी जर्नी को, डे टू डे जर्नी को, रूटीन लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, उसमें भी हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं। बिना खुशी के भी जो हंसना जानता है वही असल में खुशी का असली मतलब जानता है। कद बड़ा नहीं होता एड़ियाँ उठाने से, ऊंचाइयाँ तो हासिल होती हैं सर झुकाने से। नेक्स्ट हैबिट जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है ग्रैटिट्यूड। पॉजिटिव पीपल ग्रैटिट्यूड को बहुत प्रैक्टिस करते हैं। वो हिचकिचाते नहीं हैं किसी के लिए थैंकफुल होने के लिए या किसी का आभार व्यक्त करने के लिए। तो आप भी इसे इम्प्लीमेंट करिए और पॉजिटिविटी को इनवाइट करिए। हैबिट नंबर फोर है कि पॉजिटिव पीपल अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हैं, वीकनेस पे नहीं। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जो आती है वो सॉल्यूशन से बड़ी नहीं होती, सॉल्यूशन नज़रों के सामने ही होता है। बस हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है ताकि हम उस सॉल्यूशन पे फोकस कर सकें। पॉजिटिव लोग प्रॉब्लम को सोच सोच के परेशान होने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, जब प्रॉब्लम आती है तभी वो सॉल्यूशन ढूंढने निकल लेते हैं। हैबिट नंबर फाइव इज लैक ऑफ नॉलेज इंड्यूसेस फियर। अब ये कैसे होता है? अगर हमें किसी सिचुएशन को लेके नॉलेज ही नहीं है कि वहाँ पे हम किस चीज़ को इनकाउंटर करेंगे, कैसे लोग होंगे, क्या होगा अगर हम वहाँ पे जाते हैं, तो हमें हमेशा डर लगा रहेगा। अब इसमें अगर हम प्रीवर्क करके जाते हैं, उस प्लेस के बारे में सर्च करके जाते हैं, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, क्या खाना पीना होता है, तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, हमें पता होगा कौन कौन सी जगह हम विजिट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन ये है कि जब भी लाइफ कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन देती है तो उसको लेके अपनी नॉलेज को एनहांस करिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करें ताकि आपकी पर्सनल ग्रोथ होती रहे। पर्सनल ग्रोथ खुद को पॉजिटिव फील करवाती है, खुद के लिए एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कराती है। हैबिट नंबर सिक्स इज दीज पीपल आर रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक। ये किसी यूटोपिया में नहीं रहते कि हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे ही नहीं, बल्कि इनको मालूम होता है लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है। दे आर वेरी क्लियर कि अपनी एनर्जी हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, और जैसे ही अपना फोकस सॉल्यूशन पे लेके आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और दोबारा से एक पॉजिटिव ऑरा इस्टेब्लिश हो जाता है। हैबिट नंबर सेवन इज दीज पीपल नो अ यूनिक वे टू हैंडल पास्ट। पास्ट के साथ कैसे डील करना है उसका एक बहुत यूनिक तरीका इन्हें पता होता है, वो है कि पास्ट को पास्ट में ही रहने देते हैं। अब होता क्या है, जब हम पास्ट की बातें करते हैं तो हमारा माइंड पास्ट में चला जाता है, वो नहीं रियलाइज करता कि जो चीज़ मैं बात कर रही हूँ, जो एक पेनफुल इंसिडेंट के बारे में मेरे दिमाग दोबारा रिवाइज कर रहा है वो 5 साल पहले हुआ। जैसे ही मैंने उसे रिवाइज किया, जैसे ही मैंने उसे रिपीट किया, मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा ब्रेन दोबारा से उस सेम एक्सपीरियंस को एनकाउंटर करता है एज इफ वो उसी समय हो रहा है। ये एक भ्रम होता है और लोग चाहे अनचाहे इस चीज़ पे दोबारा से दोबारा सफ़र करते रहते हैं। तो पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, कोई लर्निंग है उससे तो उसे अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करें एंड देन मूव ऑन। जो हमारा फर्स्ट हैबिट था दैट इज़ टू लेट गो।
सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया जो पॉजिटिव लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। रादर इसे ऐसे भी देख सकते हैं, 7 ऐसे बिहेवियर्स जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और पॉजिटिविटी को वेलकम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।